माननीय सभापति जी, श्री राज बब्बर जी ने और अन्य सम्मानित सदस्यों ने यह विषय उठाया है और पिछले कुछ सप्ताहों से इस विषय पर कई सार्वजनिक चर्चाएं भी हुई हैं। मेरी भी इस व्यवसाय के लोगों से बातचीत हुई, उनकी क्या तकलीफ है ये भी समझने का अवसर मिला है। किसी व्यवसाय को या किसी कारीगर को, जो इस देश के परंपरागत कारीगर हैं, किसी को तकलीफ हो, ये सरकार की कभी इंटेंशन नहीं रही है। इसलिए सबसे पहले तो ये स्पष्ट हो जाए कि ये 1% एक्साइज क्यों लगा और किसके ऊपर लागू होता है। तर्क ये दिया गया कि बड़े लोगों को छोड़ दिया, छोटे लोगों पे लगा दिया। अब छोटे लोगों का सहारा ले लेना, उससे राजनीतिक तर्क तो बढ़ जाता है, लेकिन सच्चाई इसकी बिल्कुल विपरीत है। ये एक्साइज किसी कारीगर पे नहीं लगा, ये किसी छोटे स्वर्णकार पे नहीं लगा, जिसको राज बब्बर जी कॉरपोरेट ज्वेलर्स कह रहे थे, अधिकतर वही हैं जो इसके दायरे में आते हैं। और इसलिए छोटे लोगों का सहारा मत लीजिए, उन पे लगा नहीं है। एक्साइज की जो एलिजिबिलिटी है और इसमें जो एग्जेम्पशंस दिया है कि अगर पिछले वर्ष आपकी टर्नओवर 12 करोड़ से कम थी और अगले वर्ष में 6 करोड़ से कम है तो आप एग्जेम्प्टेड हैं। और अभी इतना विकसित यह देश नहीं हुआ कि छोटे लोगों की टर्नओवर 12 करोड़ और 6 करोड़ से ज्यादा हो। किसी कारीगर की टर्नओवर 6 करोड़ और 12 करोड़ से कम नहीं है दो लगातार वर्षों में। ये जो बड़ी बड़ी चेन्स हैं ये उन्हीं के ऊपर लागू हुआ है और इसलिए बिल्कुल इस सदन के माध्यम से मैं स्पष्ट कर दूं कि ये 12 करोड़ और 6 करोड़ वालों पे लागू होगा और उससे कम वाले किसी व्यक्ति को इसके दायरे में नहीं लाया गया है, यह बिल्कुल स्पष्ट है। जहां तक एक्साइज की नीति है, हम लोग तय कर लें कि किन आइटम्स के ऊपर एक्साइज लगना है। कोई स्ट्रक्चर्ड ट्रेड हो और बार बार आंदोलन करके उसको वापस करवा ले तो इसका यह अर्थ नहीं कि वो अधिकार बन जाता है, उस पर टैक्स कभी नहीं लगेगा। मैं सूची देख रहा था, अब आपने कहा कि अब लगभग हर राज्य में गोल्ड के ऊपर वैट लगता है और सबसे अधिक वैट जो आपकी यूपीए की सरकार है केरल की, 5% का वो लगाती है। अब इतनी ही उन कारीगरों की आपको चिंता है तो केरल के अंदर माननीय उपसभापति जी का भी वो राज्य है, उसको हटवा दीजिए आप। लगभग हर राज्य में वैट लगता है। आपको मैं अभी, आप वेट कर लीजिए, थोड़ा सा आप इसका पूरा अर्थ समझ जाएंगे कि किस विरोध में आप उलझते जा रहे हैं। 5% वैट केरला सरकार ने गोल्ड पे लगाया हुआ है और वैट के लिए भी वही किताबें मेंटेन करनी पड़ती हैं। अब 2005 में ब्रांडेड ज्वेलरी पे यूपीए ने लगाया, प्रोटेस्ट हुआ तो 2009 में वापस ले लिया। 2012 में तब भी बहुत समझदार वित्त मंत्री थे, उन्होंने लगाया, प्रोटेस्ट हुआ तो वापस ले लिया। तो आज परिस्थिति क्या है कि राज्यों में तो वैट लगेगा, इमिटेशन ज्वेलरी पे 6% एक्साइज लगेगा। इमिटेशन ज्वेलरी इज टैक्स टू 6% एक्साइज इन दिस कंट्री। और छोटी से छोटे आइटम मैं आपको अगर लिस्ट दूं, और ये कोई हमारी सरकार ने नहीं लगाया, जब आप सरकार में थे तब लगता था, सोप, टूथपेस्ट,
टूथब्रश, फुटवेयर, पेन, पेंसिल, इंक, नोटबुक, कैंडल, फ्रूट जूस। और जिस राज्यों के मुख्यमंत्री गए उनके आंदोलन में, वहां बेबी फूड, उसके ऊपर तो टैक्स लगेगा। और ये मैं एक्साइज का जिक्र कर रहा हूं, लेकिन एक लग्जरी आइटम को हम एग्जेम्प्ट कर दें क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं। सॉरी आई एम नॉट यील्डिंग मिस्टर राजबा, बट प्लीज सिट डाउन, लेट मी कंप्लीट, देन यू कैन हैव योर से। बिल्कुल आप घूमे हुए हैं इसलिए आपको साइन पे ला रहा हूं मैं। भारत लेट इट फिनिश, बाबर लेट इट फिनिश, लेट इट फिनिश मिस्टर बाबर, मिस्टर बाबर संजीव कुमार, लेट द फाइनेंस मिनिस्टर फिनिश, सिट डाउन, लेट हिम कंप्लीट हिज आंसर। आप आइए, कंप्लीट कर लो, उसके बाद राजबब्बर जी आप पूछ लेना। अब आप स्पष्ट समझिए कि आपको, और इसलिए जब राजा साहब बोल रहे थे तो मैंने इसलिए, दैट इज व्हाई मिस्टर राजा आई सेड अबाउट द लेफ्ट टुडे, व्हेन आम आदमी कंज्यूमर आइटम्स आर बीइंग टैक्स्ड, वी विल हैव टू कन्विंस द कंट्री that a luxury item should be kept outside the tax net. Now what will be the effect? Why did I say that if we are moving towards the GST, you will have to tax gold? Sir, the whole concept of GST is that if the center is collecting X amount of tax and all the states are collecting a Y amount of tax totally, then GST should together collect X plus Y to start with minimum, कि जितना आज टैक्स आ रहा है उतना आएगा, उस टैक्स के लिए क्या रेट होगा GST का, जो GST काउंसिल तय करेगी, विच इज द रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, देन देर विल बी अ स्टैंडर्ड रेट। नरेश जी ने कहा कि पहले कांग्रेस के लोग सपोर्ट करते थे, अब उनका यह कहना है कि आप 18% की कैप लगाइए। मुझे 18% पे कोई इतराज नहीं है, दैट्स अ रीजनेबल स्टैंड। कैप्स कॉन्स्टिट्यूशन में हो या कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर हो, दैट्स द ओनली एरिया ऑफ डिफरेंस। अगर आपने लग्जरी आइटम्स को जीएसटी से बाहर कर दिया तो फिर 18% मेंटेन करने के लिए आपको इसेंशियल आइटम्स की ड्यूटी बढ़ानी पड़ेगी, कि गोल्ड को टैक्स की माफी दो और सीमेंट, स्टील, आयरन के ऊपर, जूते के ऊपर, कपड़े के ऊपर इसको ज्यादा बढ़ाओ। अरे आप एक बार आप समझ लीजिए, ये एक कॉम्प्लेक्स राजबब्बर जी विषय है। अगर आप लग्जरी आइटम को टैक्स के दायरे से बाहर रखते हैं तो उस लग्जरी आइटम का जो टैक्स का हिस्सा है फिर किसी आवश्यक वस्तु पे अधिक टैक्स लगा के उसकी पूर्ति करते हैं। और इसलिए किसी भी टैक्सेशन पॉलिसी में लग्जरी आइटम्स को टैक्सेशन से इंडेफिनेटली बाहर रखा जाए ये संभव नहीं है। दूसरा ये लेट इट फिनिश, बाबर बाबर जी बैठिए, लेट इट फिनिश, लेट इट फिनिश, सॉरी सॉरी ओके ओके अध्यक्ष जी, अगर हम लोग जीएसटी की तरफ जा रहे हैं तो इसलिए उसका यह पहला कदम है कि हम लोग इन आइटम्स के ऊपर टैक्सेशन लगाए जिससे कि हम एक रीजनेबल कैप मेंटेन कर सकें। यह संभव नहीं है कि कोई राजनीतिक दल कहे कि 18% की कैप भी होगी लेकिन लग्जरी आइटम्स को एग्जेम्प्ट कर दो ताकि 18% की कैप कभी मेंटेन ही ना हो पाए। दैट इज द स्टैंड, बोथ द स्टैंड्स दैट यू हैव टेकन आर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। इफ यू वांट अ लग्जरी आइटम आउटसाइड द टैक्स नेट बिकॉज योर लीडर्स हैव सेड दिस इज असैसिनेशन ऑफ अ ट्रेड पुटिंग टैक्स ऑन देम, सो इफ दैट ट्रेड इज टू बी केप्ट आउटसाइड द टैक्स नेट देन यू कैन नेवर रीच द 18% कैप, यू विल ऑलवेज ब्रीच इट। This is serious subject, therefore please get some experts to examine the stand which you have taken on both issues, which is self-contradictory.
अब इसमें जो दिक्कत है कि हम एक नए आइटम पे लगा रहे हैं, केवल बड़े लोगों पे लगा रहे हैं। अब बड़े लोगों पे भी लगे तो उनकी एक शिकायत है और ये उनकी चिंता में शायद वजन है कि कल आकर हमारे खिलाफ हैरेसमेंट आरंभ ना हो जाए। तो उस हैरेसमेंट को रोकने के लिए, जिसपे कि हम सब की और मेरी भी सहानुभूति उनके साथ है, हमने एक स्पष्ट कदम अनाउंस किया जो किसी दूसरी कमोडिटी के लिए नहीं है। और उन स्टेप्स के कारण यह था कि गोल्ड ट्रेड की कई विशेषताएं हैं कि कई बार व्यक्ति अपना सोना लेकर जाता है, कहता है इससे जेवर बना दिया जाए, मेक ज्वेलरी आउट ऑफ दिस गोल्ड। कल को कोई तीसरा आदमी कहेगा कि सोने की कीमत मैं आपकी टर्नओवर में लगा लूंगा, जबकि सोना कंज्यूमर लेकर आया है, यह संभव है। इस सब समस्याओं को देखते हुए केवल एकमात्र गोल्ड ट्रेड है जिसको हमने यह सुविधा दी है कि कोई फिजिकल वेरिफिकेशन आपके यहां नहीं होगी। मुझे जब स्वर्णकार मिले तो मैंने उनको स्पष्ट कहा कि कोई एक्साइज का व्यक्ति आता है खाकी वर्दी में तो अपने मोबाइल फोन पे उसकी फोटो खींच के मुझे भेज दीजिए। सीबीएसई के चेयरपर्सन ने चिट्ठी लिखी है सब फील्ड यूनिट्स को कि नो, कोई फिजिकली नहीं जाएगा। जो आप वैट की रिटर्न फाइल करते हैं उसी की सेल्फ असेसमेंट रिटर्न के ऊपर एक्साइज दे दें, सेल्फ सर्टिफिकेशन से आप एक्साइज दे दें। जो आप वैट की रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसको स्वीकार किया जाएगा और यह केवल बड़े वालों के ऊपर लागू है, छोटे वालों पर लागू नहीं है। यह जो सुविधा है ये पूरी गाइडलाइंस है और इसके अतिरिक्त आपको कोई और सेफगार्ड चाहिए, टैक्स आपको देना पड़ेगा लेकिन हैरेसमेंट रोकने के लिए आपको कोई और अगर सुविधा इसमें चाहिए, कोई प्रिकॉशनरी स्टेप चाहिए, तो हम वो भी लेने को तैयार हैं। और उसके लिए मैं उत्तर दे देता हूं। आपका रेलेवेंट प्रश्न है क्योंकि ये तर्क दिया जा रहा है, इसलिए यू आर एंटाइटल टू अ रिप्लाई, मैं अभी देता हूं उसका। तो उनको ये कहा और उनसे बातचीत करके तय किया कि हम डॉक्टर अशोक लहरी जो सरकार में पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बना देते हैं, उसमें आपके तीन नुमाइंदे रहेंगे और आप सब बैठकर तय कर दो कि इसमें और सेफगार्ड क्या चाहिए कि हैरेसमेंट ना हो। टैक्स आपको देना पड़ेगा लेकिन टैक्स यस, हैरेसमेंट नो। और उसकी दृष्टि से उनकी पहली मीटिंग अभी हुई। वो तीन कौन होंगे, अब कठिनाई मेरी यह है कि दर्जनों ऑल इंडिया संगठन है, कोई हड़ताल पे है, कोई हड़ताल पे नहीं है, और आज तो कोई हड़ताल पे नहीं है, और उसके अतिरिक्त कुछ उसमें से आकर फैसला कर गए कि हड़ताल हमने पहले दौर की कॉल ऑफ कर दी और आप ये कमेटी बना दीजिए। कुछ ने कॉल ऑफ कर दी, कुछ ने कहा हम नहीं कॉल ऑफ करते, बाद में सबने कॉल ऑफ कर दी। तो उनको तय करना है कि उनके उद्योग के तीन सदस्य कौन होंगे, हम सरकार तय नहीं करना चाहती। और डॉक्टर लहरी को हमने ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि उनके साथ बातचीत करके उनके तीन नुमाइंदे आप ले लीजिए, अब उनकी अगली मीटिंग आने वाले सप्ताह में है, और हमें इसकी रिकमेंडेशन दे दो। अब सतीश मिश्रा जी ने ये कहा कि जब तक इसको आगे ले जाओ, जब तक ये सब फैसला ना हो, तो 31 मार्च तक जितने लोगों ने रजिस्टर करवाना था करवाना, ये जो बड़ी कैटेगरी के लोग हैं केवल उनको रजिस्टर करवाना था, कुल मिला के उसमें 206 ने करवाया है। और उसके साथ हमने ये सुविधा दे दी कि क्योंकि हमने डॉक्टर लहरी की कमेटी बनाई ही है और हो सकता है एक दो कदम वो और अनाउंस कर दे जिसको हम स्वीकार कर लें, तो इसलिए 31 मार्च को भी बढ़ाकर हमने उसको 30 जून कर दिया। जो रजिस्ट्रेशन होना था कि रजिस्ट्रेशन को भी हम 2 महीने के लिए और हमने आगे कर दिया कि तब तक आपको और सुविधा देते हैं, तब तक ये रिकमेंडेशंस भी आ जाएंगी। और इसलिए जब रजिस्ट्रेशन की डेट ही हमने 2 महीने आगे बढ़ा दी तो कोई व्यक्ति वो पहले रजिस्टर करवाएंगे, फिर अपनी सेल्फ सर्टिफिकेशन से रिटर्न फाइल करेंगे और रिटर्न फाइल करने के बाद तब
तब तय होगा कि उसको कितना एक्साइज देना है। जिस रेट पे वो वैट दे रहा है 1%, अधिकतर राज्यों में वही 1% वो एक्साइज देगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। मैं केवल इतना आग्रह चाहूंगा, जो नरेश जी ने कहा कि कोई और नाम दे दें। अब गोल्ड ट्रेड की एक विशेषता है, इस देश में सोना तो है नहीं, बाहर से आता है, और बाहर से जब आता है आप सोने के इंपोर्ट पे जितना प्रतिबंध लगाओगे या जितनी अधिक ड्यूटी लगाओगे उतनी स्मगलिंग बढ़ती है। द बिगर द बैन द हायर इज द स्मगलिंग। आज आपको बहुत चिंता है उस ट्रेड की, लेकिन 2013 में आपने 80-20 स्कीम लागू की थी, जब CAD करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बढ़ गया था, और उस स्कीम के तहत कहा कि जो व्यक्ति वही इंपोर्ट कर सकता है जो 20% जेवर बना के बाद में री इंपोर्ट करेगा। तो छोटे आदमी का तो बिल्कुल व्यवसाय बंद हो गया था, उस वक्त छोटे व्यक्ति की चिंता नहीं थी। और यह भी आपको मालूम हो कि 16 मई को चुनाव का रिजल्ट आ गया था 2014 को, यह हम लोगों का बड़ा दिल था कि हमने उसमें कार्रवाई नहीं की। 16 मई और 26 मई के बीच में एक आदेश पास हो गया कि केवल स्टार पहले बैंक्स जो थे पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो सोना इंपोर्ट करते थे, अब केवल स्टार एक्सपोर्टर्स स्टार हाउसेस जो हैं वो करेंगे, और 6 या 7 लोगों के हाथ में सारा गोल्ड का इंपोर्ट दे दिया गया था। उन दोनों कदमों का असर यह हुआ कि ऑफिशियल इंपोर्ट कम हो गया और स्मगलिंग ज्यादा हो गई। सरकार में आने के बाद हमने इसको ओपन कर दिया कि कोई छोटा आदमी भी इंपोर्ट कर सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सांस्कृतिक दृष्टि से इस देश की एक अच्छा है बुरा मैं उस तर्क में नहीं जाता, लेकिन गोल्ड की एक एपेटाइट है जो उस देश के लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। आज 10% कस्टम ड्यूटी गोल्ड पे है, जो नरेश जी ने पूछा उस कस्टम ड्यूटी को अगर हम बढ़ाते हैं तो स्मगलिंग बढ़ जाती है, अनऑफिशियल रूट से आता है। आज आप किसी भी एयरपोर्ट पे सांसद के नाते जाएंगे, जो कस्टम अधिकारी मिले उससे पूछ लीजिए कि सबसे ज्यादा आपकी एनर्जी किस आइटम की स्मगलिंग रोकने में लगती है, तो वो आपको कहेगा गोल्ड। तो इसलिए कस्टम ड्यूटी बढ़ा दो और उससे स्मगलिंग रूट से ज्यादा सोना आ जाए, इसमें कोई लाभ नहीं है। अब डोमेस्टिक टैक्स कौन सा लगेगा? 3 तरह के डोमेस्टिक टैक्स हैं। सर्विस टैक्स लग नहीं सकता, उसे सर्विसेज पे लगता है। दूसरे 2 बचते हैं, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम्स। कस्टम्स बढ़ा नहीं सकते हम। तीसरा केवल एकमात्र टैक्स एक्साइज है सेंटर के पास, सेंटर का कोई और टैक्स नहीं है। अब सेंटर एक्साइज ना लगाए तो कौन सा दूसरा टैक्सेशन है? और ये कुछ महीनों की बात है, जिस दिन कांग्रेस पार्टी सहयोग करेगी GST बन जाएगा, ये दोनों टैक्सेस उसमें मर्ज हो जाएंगे, जो वैट लगाती है स्टेट और जो सेंट्रल एक्साइज होगा, दोनों मर्ज होके GST के रूप में आ जाएंगे। और GST के रूप में आने के बाद हर आइटम को, जैसे मैंने कहा इंक्लूडिंग लग्जरी आइटम, उनको टैक्स देना पड़ेगा। मैं केवल 2 चीजों का आग्रह करके, इसलिए कोई और वैकल्पिक टैक्स है नहीं जो लग सकता है। और केवल एक आइटम के लिए आप नया डिपार्टमेंट खड़ा कर दो और नया टैक्स खड़ा कर दो, ये कोई बहुत समझदारी की नीति नहीं होगी। मैं केवल इतना कहूंगा कि कारीगरों पर, छोटे आदमी पे ये नहीं लगा है, ये प्रचार एकदम गलत है, मैं इसका खंडन करता हूं। बड़ों पे लगा है, अभी तक केवल 206 बड़े लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करवाया। इस ट्रेड की हम पूरी सहायता करेंगे, किसी की हैरेसमेंट ना हो, इसके लिए 4 कदम और आगे बढ़ना पड़ेगा तो बढ़ेंगे, लेकिन दो चीजें लग्जरी आइटम्स पे टैक्स देना है, इसका अभ्यास हम लोग डालें। केवल इसेंशियल कमोडिटीज पे टैक्स लगेगा, उसी पे देश चलेगा, ये ठीक नहीं है। और दूसरा, राज बब्बर जी, आप फिल्म इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं, बहुत लीडिंग एक्टर रहे हैं। 2 ऐसे उद्योग थे, फिल्म इंडस्ट्री और रियल एस्टेट, जिसके बारे में कभी एक छवि थी कि यहां कैश ट्रांजैक्शन ज्यादा होता है। धीरे धीरे अब यह सुनने में आया कि प्रोफेशनलिज्म की तरफ चलता गया और वो स्थिति आज बदल गई है। आज आप खुद भी जानते होंगे कि व्हाइट मनी ट्रांजैक्शन फिल्म इंडस्ट्री में बहुत व्यापक हो गया है, ज्यादा वही है। रियल एस्टेट उस दिशा में जा रहा है।
जब सारा दुनिया और देश के विभिन्न उद्योग उस दिशा में जा रहे हैं, तो एक्साइज नेट में आकर ये ट्रेड भी उस दिशा में चले, मुझे लगता है इसमें बुराई नहीं है, इसमें देश का भला होगा और उसमें आप भी देश का फिर साथ दीजिए। धन्यवाद। ओके, थैंक यू।